खबर सुकमा से बता दें कि छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोईया कल्याण संघ अपनी तीन मांग रसोईया को नियमित करने, रसोईया को कलेक्टर दर पर मानदेय देते, रसोईया को नौकरी से ना निकालने को लेकर लगातार हड़ताल पर है। इन मांगों को लेकर रसोईया संघ राजधानी में भी प्रदर्शन कर चुके हैं। अब प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर ब्लॉक एवं जिला मुख्यालय में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तारतम्य में विकास खंड छिंदगढ़ मुख्यालय में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने 562 रसोईया के हड़ताल को समर्थन देने भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता दीपिका शोरी भी पहुंची। उन्होंने कहा है कि आज की वर्तमान महंगाई को देखते हुए 50 रुपए प्रतिदिन पर काम लेना न्याय संगत नहीं है। रसोईया संघ की मांग कलेक्टर दर पर भुगतान एवं नियमितीकरण वाजिब मांग है। मैं छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार से मांग करती हूं कि इनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ के स्कूलों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। आपको बता दें कि विकास खंड छिंदगढ़ में प्राथमिक शाला 305 एवं माध्यमिक शाला 98 कुल संख्या 398 है तथा इन स्कूलों में कार्यरत रसोइयों की संख्या 562 है। इन रसोइयों के हड़ताल में चले जाने से स्कूल में चलने वाली मध्याह्न भोजन व्यवस्था चरमरा गई है। हालांकि स्कूल प्रबंधन के द्वारा वैकल्पिक रूप से अस्थायी तौर पर मध्याह्न भोजन बनाने हेतु महिला स्व सहायता समूह से काम लिया जा रहा है, जो नाकाफी है। मैं दीपिका सोरी जी आज उपस्थित हुए, उसके लिए मैं संघ के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे आते रहे और दो शब्द हमको मार्गदर्शन देते रहे और संघ को थोड़ा सा मजबूत करे और रसोईया भाई को वो अच्छा नए दिशा पर ले चले। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? बलराम ठाकुर है सर। अभी मैं मध्याह्न भोजन रसोईया संघ का बस्तर संभाग का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, कैसे बैठे हैं आप लोग यहाँ सर? हम लोग 4 तारीख से हड़ताल में बैठे थे सर, अनिश्चितकालीन। वहाँ से फिर रायपुर गए 6 तारीख को, 7 तारीख को उग्र आंदोलन हुआ सर, जिसमें शिक्षा मंत्री मात्र आश्वासन दिए, हमको 1 महीना का आश्वासन दिए। उसके बाद हम पुनः प्रदेश के माध्यम से हम लोग यह निर्णय लिए प्रदेश के आह्वान पर कि नहीं, ब्लॉक और जिला में जाके फिर से जब तक मांग नहीं होगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा बोलकर फिर यहाँ धरना फिर बैठे हैं सर हड़ताल में। अच्छा, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है सर, 3 मांग है सर। हमारी मांग नियमितीकरण है सर, उसके बाद कलेक्टर दर, दूसरा मांग है कलेक्टर दर दिया जाए सर, और रसोईया को निकाल बार नहीं किया जाए। नाम है आपका? मेरा नाम बिमला सेठिया है। अच्छा, क्या कैसे बैठे हैं आप लोग? हम लोग हड़ताल में बैठे हैं, रसोईया हैं। हम लोग को रोजी 50 रुपये से काम करवाते हैं, 50 रुपये से क्या काम होगा। घर में क्या परेशानी आ रही है हड़ताल में बैठने से? घर में बहुत सी परेशानी आ रही है, माँ बाप भाई बहन सबको, बच्चों को छोड़ के यहाँ आते हैं, घर में भी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है, 50 रुपये में क्या चलने वाला है। आज सुकमा जिला के विकास खंड छिंदगढ़ में रसोइयों की अनिश्चितकालीन हड़ताल में मैं अपना समर्थन देने आई हूँ युवा मोर्चा की ओर से। और ये हड़ताल में हमारे सभी भाई, रसोईया भाई, हमारी बहनें हैं, सभी माताएं बहनें भी यहाँ लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल में अपना समय दे रही हैं। सभी माताएं बहनें अपने घर परिवार को छोड़कर इतना लंबा समय यहाँ अपना समय दे रही है। सरकार से मैं यह कहना चाहूंगी कि 50 रुपये में आप प्रतिदिन इनसे रोजी ले रहे हैं, अपना काम ले रहे हैं, तो इस महंगाई की स्थिति को देखते हुए क्या 50 रुपये में घर चलाना संभव है? आप तेल से लेके खाने का, राशन से लेकर सभी चीजें आज इतनी महंगी हो चुकी है। और बस्तर में देखा जाए तो हम रोपा भी लगाते हैं अगर खेत में जाकर, तो प्रतिदिन के हिसाब से 200 रुपए उनकी मजदूरी होती है, और कहां 200 रुपए। और सुकमा से संजय सिंह भदौरिया की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।